हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल स्टडीज में। हिस्ट्री कवरी के बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर। हिस्ट्री में एक बहुत अच्छी बात करने वाले किसकी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके नाम का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया उस व्यक्ति के, और वो व्यक्ति है कौन? हुमायूं। किसकी बात करने वाले हम बात करने वाले हैं हुमायूं की। तो हुमायूं जो व्यक्ति है, इस हुमायूं का मतलब जो होता है वो क्या होता है? भाग्यशाली। लेकिन इस व्यक्ति विशेष का कभी भी भाग्य ने साथ नहीं दिया, और जब भाग्य ने साथ नहीं दिया तो वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, भाग्य साथ दे नहीं रहा है, इस व्यक्ति का क्या होगा? चलिए बात कर लेते हैं हुमायूं की। जन्म इस व्यक्ति का जो हुआ है वो 5 मार्च को हुआ है 1508 में। इसका जन्म कहाँ होगा? काबुल में होगा, क्योंकि पिताजी इनके काबुल जीत चुके थे। ठीक है, काबुल में जन्म होता है। माँ का नाम था माहम सुल्ताना या माहम बेगम बोला जाता था उनको, माहम सुल्ताना इनकी माँ का नाम है। ठीक है, और काबुल में जन्म हो रहा है 6 मार्च 1508 को। 6 मार्च 1508 को जन्म हुआ, और इस व्यक्ति की मृत्यु बड़े ही हास्यास्पद तरीके से होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये महोदय फिसल जाते हैं, और फिसल के गिरते 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 उठ जाते हैं। ठीक है, बात है 27 जनवरी की। 27 जनवरी के दिन 1556 में, ठीक है, 27 जनवरी को ये अपने पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते करते इतने मशगूल हो गए पढ़ने में कि ध्यान नहीं दिया कि नीचे फिसलन भरा समतल है, सरफेस है, और वहां पे पांव रखते हुए ये फिसल जाते हैं। तो लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क जाते हैं, ऐसा लेन पूल का कहना है, मेरा नहीं भैया, लेखक ने कहा है। मैं तो बस बता रहा हूँ आपको कि जीवन भर ये व्यक्ति लड़खड़ाता रहा, और बाद में भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते समाप्त। ठीक है, सो ऐसा व्यक्ति था जैसे नाम भाग्यशाली है, लेकिन भाग्य ने साथ कभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या नहीं हुआ, सारी चर्चा हम यहाँ करने वाले। चलिए आपको बता देते हैं कि हम बात बाबर के बेटे की कर रहे हैं। तो बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे, हमने बात करी थी। सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं के अलावा इसके और बेटे थे बाबर के, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब भाई ये सबसे बड़े बेटे हुआ करते थे हुमायूं, है ना, सबसे चहेते भी इनके थे बाबर के। लेकिन समस्या की अगर बात करें, इनकी एक बेटी भी हुआ करती थी जिनका नाम है गुलबदन बेगम। क्या नाम है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की बात करें तो इन्होंने हुमायूं नामा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हुमायूं नामा ये बुक है जिसमें इनने अपने पिताजी की बात करी हुई है। बाबर की पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हुमायूं के बारे में बताया गया, कितना बेवकूफ व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम से शादी हो जाती है मेहंदी ख्वाजा की। क्या? मेहंदी ख्वाजा, ये व्यक्ति विशेष का नाम है जिनसे शादी हो गई है, गुलबदन बेगम मतलब इनकी बहन की। तो ये कौन है? बहनोई हो गए भाई इनके। अब ये बहनोई आप कहोगे क्यों लिख रहे हो भाई, तो ये बहनोई इसलिए लिख रहे हैं कि बाबर की जो मृत्यु होती है 26 दिसंबर के दिन, कब? 26 दिसंबर 1530 की बात है ये। 26 दिसंबर 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम आपको बता दूं निजामुद्दीन था, निजामुद्दीन अली नाम हुआ करता था प्रधानमंत्री, किसके? बाबर के प्रधानमंत्री। अब ये जो है सबसे बड़े बेटे हुमायूं, ये तो थे संबल में, है ना, संबल में हुआ कर रहे थे, ये वहां के सूबेदार थे। तो यहाँ दिल्ली में कौन था? कोई नहीं था। तो इनके जो निजामुद्दीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मेहंदी ख्वाजा को सिंहासन पर बिठाने की कोशिष करी। हालांकि इनका ये जो षड्यंत्र है चल नहीं पाया। अगर चल जाता तो सोचो भाई, आप हिस्ट्री में पढ़ते ही नहीं कि हुमायूं था, कौन होता? मेहंदी ख्वाजा होता। लेकिन इनका ये षड्यंत्र चल नहीं पाया, और 30 दिसंबर यानी 4 दिन बाद 1530 को इनके बड़े बेटे बाबर के हुमायूं गद्दी पे बैठ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली क्या, मुगल सल्तनत हो गई वो तो, है ना। तो हुमायूं बैठ जाते हैं, लेकिन हुमायूं
बचपन से ही कैसा था, कैसा था, बेवकूफ व्यक्ति था। हालांकि पिताजी बहुत चाहते थे, पिताजी ने पढ़ाई का बहुत ख्याल रखा था इनका। तुर्की भाषा ले लो, तुर्की के अलावा फारसी ले लो, फारसी के अलावा अरबी ले लो, अरबी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा भी ले लो, भाई सारी की सारी भाषाएं इन्होंने सिखवाई थी इनको। उसके अलावा बात करी जाए तो चाहे गणित हो, चाहे आप बात कर ले दर्शन हो, इन सारी चीजों पे भी बकायदा पकड़ बनवाई थी इनके पिताजी ने हुमायूं की, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने बिल्कुल खासा ख्याल रखा था पढ़ाई के मामले में। तो हुमायूं इस प्रकार के व्यक्ति थे कि थे तो पढ़े लिखे विद्वान भी थे, और जैसे हुमायूं को मतलब भाग्यशाली होता वैसा होता नहीं। क्यों क्यों नहीं होता कि भैया इनको बहुत बुरा रोग हो जाता है, और ऐसा रोग था जो कैसा था, जीवन लेने वाला था, मतलब जिसका कोई इलाज ही नहीं था, लाइलाज बीमारी हो जाती है इनको। अब पिताजी बड़े परेशान कि भाई हमारा प्यारा पुत्र है और वो अब जाने वाला है, उसको ही हम अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। उन्होंने भगवान से दुआ करी कि भैया चाहे हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे बेटे को बख्श दो। और ऊपर वाले ने सुन ली, तभी जाके इनकी हालत खराब होने लग जाती है। बाबर की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लग जाती है, हुमायूं की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो ये चाहे करिश्मा कहो या जो भी कहो, हुमायूं ठीक हो जाते हैं, बाबर चले जाते हैं। तो अब वो ही कह सकते हैं कि हुमायूं को बाबर की उम्र लग गई थी, अब ये ठीक हो गया भाई और जी बन गए राजा। लेकिन पिताजी बड़े शरीफ व्यक्ति, उनने कहा कि देखो भाई तुम चार लड़के हो तो आपस में लड़ाई झगड़े मत करना यार, देखो क्योंकि ये बड़ा समस्या का विषय है। हुमायूं ने पिताजी की बात मान ली। जीवन भर इनके भाई विद्रोह करते रहे, ये बार बार क्षमा करते रहे, और इसी के कारण इनकी तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है, अभी देखेंगे अपन क्या क्या हुआ, कैसा हुआ सारा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इनकी सैनिक बात करी जाए तो सैनिक जो व्यवस्थाएं थी हुमायूं की सेना का, इन्होंने जो भी बोल सकते ना एक प्रकार से प्रैक्टिस करके रखी हुई थी सैनिक अभियानों की सारी, तो वो भी इनके 18 वर्ष से चालू हो गए थे। मतलब अगर बात करें 18 वर्ष की, तो इनका जन्म अपन ने कब करवाया है, इनका जन्म करवाया है अपन ने 1508 में, है ना। 1508 से 18 साल जोड़ देंगे तो 1526, और 1526 में क्या हुआ था भाई, पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत के युद्ध में एक टुकड़ी का ये भी भैया क्या कर रहे थे, ये सेनापतित्व कर रहे थे एक छोटी टुकड़ी का, और इन्होंने किया भी, किसने, हुमायूं ने। उसके बाद जो 1527 में खानवा का युद्ध होगा उसमें भी इन्होंने अपनी सैनिक अभियान चलाए, लेकिन ठीक है तब तो पिताजी थे, कोई बात है नहीं। तो इनने 18 साल में ही सारा कुछ हो चुका था, ये 22 साल में तो भाई समझ लो शासक बन गए हैं, और भंवर बेवकूफ व्यक्ति की तरह इन्होंने शासन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, बहुत सारी इनको अलग अलग समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं थी अपन एक बार वो भी देख लेते हैं। समस्याओं की अगर बात करी जाए तो जब इनके पिताजी थे, इनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा शासन जो है अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो अगर बात करें ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये काबुल है, काबुल कांदार इधर, ये सारा ये मिला के इधर तक, ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य किसका था उस समय, बाबर का था। इन्होंने जाते जाते बोला हुमायूं से कि भाई देखो आपस में लड़ाई मत करना, तुम सब बच्चे आपस में मिलजुल के रहना। तो उनने मान ली बात, हुमायूं ने क्या किया कि बड़े भाई मतलब उनसे तो छोटे ही थे सभी, कामरान को दे दिया काबुल कांदार पंजाब वाला इलाका। ठीक है, उसके बाद आएगा कौन, अस्करी, तो अस्करी को ये संबल वाला इलाका पूरा दे दिया संबल। और ये जो यहाँ भारत में ये अलवर राजस्थान वाला है, ये हिंदाल को दे दिया। जो बचा कुचा इलाका था उस पे शासन कौन कर रहे हैं, ये हुमायूं कर रहे हैं, दिल्ली, आगरा, कन्नौज के आसपास, जौनपुर वगैरह, ये सब कौन शासन कर रहा है, ये हुमायूं कर रहे हैं। अब समस्या क्या हुई कि ये जो इसी समय का माहौल था, इसमें आपको पूरे देश को इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन आपने जोड़ की जगह क्या कर दिया, तोड़ दिया, विभाजन कर दिया। तो इनके भाई जो बेवकूफ थे बाकी के, ये कामरान हो चाहे अस्करी हो इंदाल हो, ये बाबर बेवकूफ व्यक्ति थे, इनके दिमाग में ये आया कि भैया भाई ने अपने को दे दिया तो डरते होंगे अपने से, अपन क्या करते हैं, अपन दिल्ली की गद्दी हथियाएंगे, ये दिल्ली अपनी होनी चाहिए। तो अब ये खुद भाई इनके क्या करने लगे, षड्यंत्रों में सब लेने लगे कि हमें दिल्ली की गद्दी मिल जाए। और तो और एक इतिहासकार ने लिख दिया कि बाबर बेवकूफ होने के बावजूद भी चाहे वो अस्करी हो हिंदाल हो, फायदा कौन उठा सकता था उस समय के जो बाकी के भारत के लोग बाग थे, भारत के जो राजे महाराजे थे, वो इन बेवकूफों का यूज किसके खिलाफ कर सकते थे, हुमायूं के खिलाफ, और किया भी है।
ठीक है। तो ये भंवर बेवकूफी। इसके अलावा इससे पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो दिल्ली सल्तनत में उस समय लोदियों का क्या था, शासन था। ये लोदी क्या हुआ करते थे, अफगान हुआ करते थे, अफगान जलेबी, मासूक फरेबी। तो ये जो मासूक फरेबी लोग थे, ये भैया सबसे बड़ी समस्या थी। क्यों समस्या थी उस समय का, चाहे गुजरात मालवा वाला जो इलाका है, ये यहाँ पे बहादुर शाह हुआ करता था। कौन हुआ करता था, बहादुर शाह। ये भी अफगान व्यक्ति है, ठीक है। आप इधर जाओगे बिहार के आसपास, उस समय शेर खां व्यक्ति होने वाला है। कौन, शेर खां, ठीक है। और जो इब्राहिम लोदी का एक भाई था, उसका नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था, महमूद लोदी। वो था इब्राहिम का जो चाचा था, आलम खां, ठीक है। सो भाई ये आलम खां हो गए, ये सभी लोग बचे हुए थे। अभी अभी ये फिल्म में बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सभी अफगान लोग अभी माहौल बना रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि अपन हुमायूं को वोट डालें। सो ये भी अभी आलम खां तो बहादुर शाह के साथ में थे, बाद में ये महमूद लोदी इधर बंगाल अंगाल के जो राजा हुआ कर रहे थे उनके साथ सपोर्ट कर लेते हैं, उनके संरक्षण में। शेर खां अलग माहौल बनाने पे तुला हुआ है। तो ये सभी लोग थे, क्या चाह रहे हैं कि मुगल सल्तनत खत्म कर दी जाए। मौका और दस्तूर सब अभी शानदार होगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला है। और इसके अलावा राजपूताना के जो लोग थे, राजपूताना देखो भाई, खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा को हरा दिया गया था बाबर के द्वारा। फिर उसके बाद पूरे राजपूत फिर इकट्ठे होने लगे, और रतन सिंह जो राणा सांगा का बेटा था, वो अब सरदार बन चुका था राजपूताना का, वो भी मिलजुल के फोड़ना चाह रहे थे, ठीक है। गुजरात हो ही गया, ये समस्या थी। इसके अलावा अयोग्यता की बात करें या विलासिता की बात करें, तो ये महोदय बहुत बड़े विलासी हुआ करते थे। कौन, हुमायूं। हुमायूं में बिल्कुल इतना था कि छोटी छोटी खुशी इतनी ज्यादा जाहिर कर देते थे कि महीनों व्यतीत कर देते थे खुशी जाहिर करने में, है ना। उससे टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम के साथ साथ पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, खजाना, है ना। तो खजाना भी खाली है, खजाना खाली है तो एक समस्या है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। इनके पिताजी ने भी तो भंवर पैसा लुटाया था, है ना। जब जीत लिए तो इनने पूरे सेनाओं को, पूरे सैनिकों को, अमीरों को भंवर पैसा बांटा। इसके अलावा काबुल की पूरी जनता को चांदी के सिक्के बांटे थे, ठीक है। तो वैसे ही खजाना खाली हो गया था, इनके लिए और बड़ी समस्या थी, है। अब इसके अलावा ये व्यक्ति जो था, ये सोच इसकी ऐसी थी कि दूरदर्शिता नहीं थी इस व्यक्ति, मतलब आगे की नहीं सोचता था, कैसे क्या प्लानिंग करनी है सारी कुछ, ये एक बड़ी समस्या का विषय था। तो ये भी दिक्कत की बात है, यानी दूरदर्शिता की बात करें हम तो दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। इसके कारण इन्हें बहुत लाभ नहीं, इनको बहुत हानि उठानी पड़ जाती है। इसके अलावा इनको एक बहुत अच्छा मौका मिला था, बहुत अच्छा मौका क्या बोला था, राजपूताना जो है उधर बीच में चित्तौड़, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, तो चित्तौड़ में रानी कर्णवती हुआ कर रही थी। क्या हो रही थी, कर्णवती। तो कर्णवती क्या थी कि ये जो बहादुर शाह दिख रहा है गुजरात के राजा ने चित्तौड़ पे अटैक किया, वहां की रानी कर्णवती थी, उनने, रानी कर्णवती ने इनको राखी भेजी हुमायूं को कि अब तो आप ही मेरे भाई हैं, और आप एक काम करिए, ये राखी स्वीकार करिए और अपनी बहन की मदद करिए बहादुर शाह के खिलाफ। तो ये चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये भी भैया बातों में आ गए बहादुर शाह की, बोले काफिरों की मदद कर रहे हो बे बेवकूफ इंसान। हुमायूं मान गया, बात तो सही है यार, ये तो राजपूत है, हिंदू लोग है और हम तो मुस्लिम है, हम काय को काफिरों की मदद करें, तो भुगतना तो पड़ेगा ना। बहादुर शाह ने पेला सुबह अलग बहुत फुटाई हुई है इनकी, अभी पता चलेगा। ये भी भाई कौन से अपनी बात के पक्के व्यक्ति थे जिनकी बात आपने मान ली, हालत खराब, ठीक है। सो ये भी किया कि वो अगर रिश्ता निभा देते तो लोग सपोर्ट भी कर देते। ये सारी समस्याओं के कारण क्या हुआ, क्या हुआ, ये भाग्यहीन व्यक्ति का भाग्य साथ तो वैसे ही नहीं दे रहा था। नाम बलि भाग्यशाली होने से कुछ नहीं होता, काम भी भाग्यशाली वाले करने पड़ते हैं। तो भाग्यशाली व्यक्ति का भाग्यहीन, और भंवर कुटाई हुई है, अभी कुटाई करवाएंगे शेर खां से दो युद्ध होंगे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1539 और 1540। बीच में भी युद्ध हुए हैं 1532-37 में, शेर खां से नहीं हुए हैं वो, ठीक है। सो ये 1539-40 एक चौसा का युद्ध होता है, दूसरा होता है बिलग्राम का, ठीक है। दोनों युद्धों में भंवर कुटाई होती है कि नाम से कांपने लगते हैं, अगर इनसे बोल दो कि भैया शेर खां तो कहाँ है, भागने लग जाते थे, ऐसी हालत करी गई है, ठीक है।
तो ये होने के बाद ये कुट पिट जाते हैं, हारते हैं, सब एक एक चीजों पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे नीचे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मैं बता रहा था इंट्रो कि भाई आखिर भाग्यशाली नाम होने से आदमी भाग्यशाली नहीं होता, काम भी भाग्यशाली करने पड़ते हैं, फाइनली हार जाते हैं। और फिर 1556 में मैंने बताया कि वही बेवकूफी की हरकतों के कारण लड़खड़ाते हुए गिरते हैं और गिरते गिरते उठ जाते हैं। ठीक है, सो दिल्ली में दीनपनाह जा नमक मतलब इतने शहर भी बसाया और उसी शहर में एक इनने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय खुलवाया कि पढ़ के करेंगे कुछ काम, लेकिन पढ़ भी नहीं पाए और पढ़ते पढ़ते लुढ़क जाते हैं, खत्म हो जाता है इनका इतिहास। ऐसा ही है ये पूरा का पूरा हुमायूं का सारा जीवन जो लड़खड़ाते लड़खड़ाते खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम चर्चाएं करेंगे कुछ युद्धों की शेर खां के साथ, जो भी सारी तकरारें हुई हैं, जो कुटाई हुई है, जो पिटाई हुई है, जो गलतियां गिरी हुई हैं, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।